हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और इस पे हम इंग्लिश लिटरेचर जो विलियम जे लॉन्ग के थ्रू लिखी हुई है उसकी समरी बना रहे हैं, और रिवाइवल ऑफ लर्निंग का पार्ट वन मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको विजिट कर लें। उसमें पूरा पॉलिटिकल हिस्ट्री डिस्कस किया हुआ है इंग्लैंड का, और ये पार्ट टू है जिसमें मैंने कुछ राइटर्स को कवर किया है जो कि रिवाइवल ऑफ लर्निंग में के ड्यूरिंग अपना जो राइटिंग था वो उन्होंने स्टार्ट रखा था। तो ये जो वीडियो है ये पार्ट टू है रिवाइवल ऑफ लर्निंग चैप्टर का। और इसी तरीके से नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो एलिजाबेथन एज पे होगा, तो इसको आप देखिए। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, अदरवाइज़ नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। और कैसा लग रहा है ये सीरीज़, कैसी लग रही है, और अगर कोई इसमें गलती हो गई हो तो प्लीज़ उसको भी मेंशन करें कमेंट बॉक्स में। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमने पहले देखा कि किस तरीके की पॉलिटिकल कंडीशन थी रिवाइवल ऑफ लर्निंग में। वहाँ पे रिवाइवल ऑफ लर्निंग चल रही थी, रिफॉर्मेशन हो रहा था, प्रिंटिंग प्रेस आ गया था, वॉर ऑफ रोजेज हो रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड में चल रही थी। तो उस समय लिटरेचर का जो लिटरेचर बहुत हद तक लिखना बंद हो गया था, लोग नहीं लिखते थे, या फिर ये कह लें कि लोगों का ध्यान अभी लिटरेचर की तरफ नहीं था। तो फिर भी उसके बाद भी कुछ लोग हुए जिन्होंने लिखा है, अच्छा लिखा है। तो इस वजह से हम शुरू करते हैं, और सबसे पहले जो राइटर हम देखते हैं वो हैं रॉजर आश्चम। और ये जो थे ये फेमस क्लासिकल स्कॉलर थे जिन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था टॉक्सोफिलस, जिसको स्कूल ऑफ शूटिंग कहते हैं, या आर्चरी जो होती है उसके ऊपर ये उन्होंने ये पूरी बुक लिखी थी 1545 में। और ये जो रॉजर थे, रॉजर आश्चम थे, उन्होंने प्रिंसेस एलिजाबेथ फर्स्ट को के ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज के ट्यूटर रह चुके थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चंस अराइज हो जाएं। फिर टॉक्सोफिलस वाज डेडिकेटेड टू हेनरी एट। अब हेनरी एट, एलिजाबेथ फर्स्ट, इन सब के बारे में हमने पिछले चैप्टर में वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो आप प्लीज़ उसको विजिट कर लें। तो टॉक्सोफिलस जो था वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड था हेनरी एट्थ के ऊपर। इट वाज़ द फर्स्ट बुक ऑन आर्चरी इन इंग्लिश। ये आर्चरी के ऊपर बेस्ड पहली किताब है इंग्लिश लिटरेचर की, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर यहाँ पे एक प्लेटोनिक डायलॉग्स है ये पूरा एक जो किताब है, तो टॉक्सोफिलस एंड फिलोलोगस के ऊपर ये पूरा एक तरीके का डायलॉग है। इनकी जो दूसरी इम्पॉर्टेंट रचना है वो है स्कूल मास्टर, जो कि पब्लिश्ड हुई थी इनके डेथ के बाद, पोस्थ्यूमसली पब्लिश्ड हुई थी 1570 में। तो ये उनके डेथ के बाद की पब्लिश बुक है स्कूल मास्टर। फिर जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट राइटर हम रिवाइवल ऑफ लर्निंग के एज में देखते हैं वो है डेसिडेरियस इरास्मस रोट्रेडेमस। ये उनका नाम है, इनको इरास्मस भी कहते थे। ये 1466 से 1536 में के ड्यूरिंग इन्होंने लिखना शुरू किया, ऑल्सो नोन एज इरास्मस। ये एक डच क्रिश्चियन ह्यूमैनिस्ट थे, और जिन्होंने रेनेसां में के विषय में बहुत लिखा। तो ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ रेनेसां। एंड इनको लोग, इनका निकनेम था, इनको लोग प्रिंस ऑफ ह्यूमैनिस्ट भी कहते थे। ठीक है, ह्यूमैनिज्म क्या है ये मैंने बताया था कि क्लासिकल रिवाइविंग है, क्लासिकल लर्निंग, क्लासिकल लिटरेचर, क्लासिकल वर्क का रिवाइवल, ह्यूमन माइंड में उनका उनका रीबर्थ होना या उनकी जानकारी के लिए प्रोत्साहन, इस तरीके से कुछ ह्यूमैनिज्म है। तो प्लीज़ आप उसको जो चैप्टर है उसमें देख लीजिए। फिर हिज इम्पॉर्टेंट वर्क वॉज इन प्रेज ऑफ फॉली। इट इज़ एन एसे रिटन इन लैटिन इन 1509 इन प्रेज ऑफ फॉली। इन प्रेज ऑफ फॉली इनके एक किताब का नाम है, जो कि एस्से कंपाइलेशन है, एस्से कुछ है जो लिखे हुए हैं। और ये जो है लैटिन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, 1509 में इसको लिखा गया था। फिर ये क्या है, इट वाज अ सटायरिकल अटैक ऑन द सुपरस्टिशन एंड अदर ट्रेडिशनल ट्रेडिशन ऑफ यूरोपियन सोसाइटी एज वेल एज द वेस्टर्न चर्च। तो ये जो है इन प्रेज ऑफ फॉली, ये एक तरीके का सटायर है। ठीक है, सटायरिकल अटैक है, एक व्यंग कह लीजिए आप, है किस पे है, यूरोपियन सोसाइटी में व्याप्त कुछ ट्रेडिशन को के ऊपर, और वेस्टर्न जो चर्च था उसमें जो कुछ उनकी जो प्रैक्टिसेस थे या कुछ ट्रेडिशन था या सुपरस्टिशन था उसके ऊपर इन्होंने एक सटायर लिखा इरास्मस ने। और ये जो थे वो एक जो इटालियन ह्यूमैनिस्ट थे, फाउस्टिनो पेरिसोली,
इनसे ही बहुत इन्फ्लुएंस थी, और इन्हीं का इन्फ्लुएंस इन प्रेज ऑफ फॉली में दिखता भी है। और ये जो बुक थी प्रेज ऑफ फॉली, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1511 ऑफ आफ्टर द एक्सेशन, सक्सेशन एक्सेशन मतलब कि थ्रोन पे जब हेनरी फर्स्ट बैठते हैं उसके बाद की ये रचना है। तो हेनरी फोर्थ नहीं, सॉरी हेनरी एट। तो हेनरी एट के विषय में जो भी बात है वो आप देख लीजिए, उस पर मैंने बहुत डिटेल से उनकी पूरी फैमिली लाइन, फैमिली ट्री, ट्यूडोर फैमिली ट्री को डिस्कस किया है। सो प्लीज़ विजिट फर्स्ट लेक्चर, जो जितने भी पुराने लेक्चर हैं आप उसको एक बार विजिट कर लें, क्योंकि ये उन्हीं का एक कंटिन्यूएशन है। फिर जो इंपॉर्टेंट थर्ड इंपॉर्टेंट राइटर रिवाइवल ऑफ लर्निंग के टाइम में हुए वो हैं थॉमस मूर, और ये 1478 से 1535 के बीच में इन्होंने, मतलब इनकी डेथ हो गई 1355 में। मोर अपोज द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, ठीक है, इन पर्टिकुलर द थियोलॉजी ऑफ मार्टिन लूथर किंग, हेनरी एट, जॉन कैल्विन एंड विलियम टिंडेल। तो मैंने आपको पहले वाले जो लेक्चर है उसमें डिस्कस किया था कि हु वर प्रोटेस्टेंट, हु वर कैथोलिक, एंड क्या हुआ, कैसे उनके अंदर रिफॉर्मेशन कैसे स्टार्ट हुआ, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ रिफॉर्मेशन, मार्टिन लूथर किंग कौन है। तो ये सारा मैंने पहले डिस्कस कर रखा है। तो ये आप समझ लो कि मोर जो थे वॉज द प्रोटेस्टेंट के अगेंस्ट थे, उनके रिफॉर्मेशन को उन्होंने अपोज किया, और सबसे ज़्यादा अपोज किया कि हेनरी का सुप्रीम हेड होना चर्च का, एंग्लिकन चर्च जो इंग्लैंड में बनाया गया उसमें। मैंने बताया था कि हेनरी एट वाज द हेड, उसके बाद से उन्होंने ये एक एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी पास किया कि जो भी अब होगा हेड वो चर्च नहीं होगा, वो अब नाउ किंग होगा। तो ये सारी चीज़ें जो सिनेरियो में थी, तो उसके ऊपर इन्होंने एक मतलब अगेंस्ट थे थॉमस मोर इन सब चीज़ों के, और इसी वजह से इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम उट्योपिया था, और इनको एग्जीक्यूट किया गया था, क्योंकि ये इतना उस समय हेनरी एट का पूरा वर्चस्व शामिल था, और उसमें कोई एक राइटर उनके अगेंस्ट लिख रहा है, तो यस ही वाज एग्जीक्यूटेड। तो उसमें इनका जो सबसे कंट्रोवर्शियल वर्क था वाज द उट्योपिया, एंड इट इज़ अ वर्क ऑफ अ फिक्शन एंड अ सोशियो पोलिटिकल सटायर बाय थॉमस मोर। ये एक सोशियो पोलिटिकल सटायर था, ये पूरी तरीके से कटाक्ष था, व्यंग था उस समय के एज पे, और जो जो हो रहा था प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जो हो रहा था वो पूरा पूरा एक कटाक्ष इन्होंने उट्योपिया में लिखा है, और ये लैटिन में लिखा गया है जिसको पब्लिश किया 1516 में। रैल्फ रॉबिन्सन एंड गिबर्ट बर्नेट ने इसको ट्रांसलेट किया उट्योपिया को, रैल्फ रॉबिन्सन एंड गिबर्ट बर्नेट ने इसको पूरी जो इथियोपियन इटाली सॉरी लैटिन लैंग्वेज में लिखी हुई थी उसको इन्होंने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। फिर इंग्लिश में जो है इथियोपिया पब्लिश्ड हुई, ट्रांसलेशन ऑफ इथियोपिया 1551 में। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला है इथियोपिया का जो फर्स्ट पार्ट है उसको कहते हैं डायलॉग ऑफ काउंसिल, और दूसरा जो है वो डिस्कोर्स ऑफ इथियोपिया, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट बुक टू यूज अ मेड अप वर्ल्ड इथियोपिया इन इट्स फ्रेमिंग, ठीक है। इन्होंने एक इमेजिनरी वर्ल्ड की को रिप्रेजेंट किया है जिसका नाम उन्होंने इथियोपिया रखा है। इथियोपिया मीन्स नोवेयर, कहीं भी नहीं है, ये एक इमेजिनरी आइडियलिस्टिक वर्ल्ड है, और ये पहला ऐसा आइडियलिस्टिक वर्ल्ड क्रिएट किया था मोर ने इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी। और इथियोपिया फॉर द फर्स्ट टाइम वी फाइंड द फाउंडेशन ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी, इसी में फर्स्ट टाइम सिविलाइज्ड सोसाइटी को इन्होंने रिप्रेजेंट किया। और फिर मतलब ये उस समय के एज में जो हो रही थी उससे इतना ज़्यादा नाखुश थे कि इन्होंने फिर उस पर एक पूरी पूरी तरीके से एक कटाक्ष टाइप उन्होंने लिखा। और उसके बाद ये जो सोसाइटी इन्होंने बनाई, मतलब इट वाज़ द फर्स्ट टाइम एज द फाउंडेशन ऑफ द सिविलाइज्ड सोसाइटी, और जो तीन बड़े शब्द, थ्री ग्रेट वर्ड लाइक लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी, जिसको कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने अपना इंस्पिरेशन बनाया और एक नए तरीके की फ्री गवर्नमेंट की स्थापना की, वो यहीं से, इसी में फर्स्ट टाइम मेंशन था लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी के शब्द इसी बुक से लिए गए थे। तो ये था मोर का इथियोपिया, दैट इज़ द रीज़न कि इथियोपिया वाज इम्पॉर्टेंट। फिर फोर्थ इम्पॉर्टेंट थे विलियम टिंडेल, एंड ही उनका जो बर्थ हुआ 1494 में हुआ, और
1536 में इनकी एक्सपायरी हो गई। और ये इरास्मस और मार्टिन लूथर, जो कि रिफॉर्मेशन के फादर कहे जाते हैं या बिगनर कहे जाते हैं, या ये कह लो कि इन्हीं से शुरू हुआ था, इन्हीं के एक नोट से रिफॉर्मेशन की स्टार्ट हुई का जन्म हुआ। तो ये इनसे ये बहुत प्रभावित थे। विलियम टिंडेल ने क्या किया कि इन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया। सबसे पहले हमने वेकलिफ को देखा था, उन्होंने भी बाइबल को ट्रांसलेट किया था, लेकिन टिंडेल्स ट्रांसलेशन वॉज द फर्स्ट इंग्लिश बाइबल टू ड्रॉ डायरेक्टली फ्रॉम हिब्रू एंड ग्रीक टेक्स्ट। तो इन्होंने डायरेक्टली हिब्रू लैंग्वेज और ग्रीक लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया, मतलब ग्रीक और हिब्रू लैंग्वेज में जो बाइबल लिखी गई थी उसका ट्रांसलेशन इन्होंने किया, ठीक है। और इनका जो ट्रांसलेशन था वो न्यू टेस्टामेंट का ट्रांसलेशन था, जो बाइबल का न्यू टेस्टामेंट है उसको इन्होंने ट्रांसलेट किया 1525 में, एंड वॉज द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन टू टेक एडवांटेज ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। इनका जो बाइबल था इसको एडवांटेज मिला प्रिंटिंग प्रेस का, और उसके बाद ही नेवर पब्लिश जो ये इनका इन्होंने न्यू टेस्टामेंट को ट्रांसलेट किया, ये कंप्लीट नहीं थी, ठीक है, कंप्लीट नहीं थी। जो टास्क था उसने उसको कंप्लीट किया माइल्स कावर्डले ने, ठीक है, जो इनके साथ सप्लीमेंट, इनके बाइबल के साथ सप्लीमेंट करके फर्स्ट टाइम बाइबल को प्रोड्यूस किया गया। मतलब कावर्डले और टिंडेल की बाइबल को मिला के कंप्लीट बाइबल बोलते हैं। न्यू टेस्टामेंट जो कि टिंडेल ने लिखा वॉज नॉट कंप्लीट बाइबल, और फिर एक कंप्लीट बाइबल, फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड बाइबल पब्लिश हुई 1535 में। फिर ये मतलब ये एक बहुत बड़ा इनका काम था, और इनको भी एग्जीक्यूट किया गया। और लॉर्ड, इनका जो लास्ट वर्ड कहते हैं वो बोलता, उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने लिखा कि लॉर्ड ओपन द किंग ऑफ इंग्लैंड्स आई, हे ईश्वर जो किंग है इंग्लैंड का उसकी आंखें खोलो। तो ये उनके अंतिम शब्द थे, ऐसा कहते हैं। फिर फिफ्थ जो इम्पोर्टेंट राइटर हैं वो हैं वॉट एंड सरे। ये दोनों दो राइटर हैं, पहले जो हैं वो है थॉमस वॉट, एंड जो सरे हैं उनका फुल नेम है हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे। तो थॉमस वॉट 1503 से 1542 में इनका जो है लाइफ स्पैन रहा है। इन्होंने इंग्लिश सोनेट, जो जिसको शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और जो अर्ल ऑफ सरे हैं वॉज द फर्स्ट इंग्लिश पोइट टू पब्लिश ब्लैंक वर्स, मतलब कि जो सरे थे उन्होंने ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस किया, और वॉट ने सोनेट, जो शेक्सपियरियन सोनेट है, उसको इंट्रोड्यूस किया। अब सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जो अर्ल ऑफ सरे थे उन्होंने जो ब्लैंक वर्स क्या है, अनराइम आयम्बिक पेंटामीटर, मतलब उसमें राइमिंग नहीं होती है। तो इन्होंने ब्लैंक वर्स का सबसे पहला यूज़ सेकेंड एंड फोर्थ बुक ऑफ वर्जिल एनीड, जो इन्होंने ट्रांसलेशन किया था एनीड का, तो उसी में इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैंक वर्स को यूज़ किया। और दोनों को कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट, क्योंकि मीटर, ठीक है, और जो उसका स्ट्रक्चर था उसको, सोनेट का जो मीटर था और सोनेट का जो स्ट्रक्चर था उस पे सरे ने काम किया था, उस पूरे फॉर्मेट को ले आने के लिए। और कपलेट जो नीचे शेक्सपियरियन सोनेट के जो दो नीचे जो कपलेट होते हैं, एक जो नीचे सबसे लास्ट का कपलेट होता है, उसको भी वॉट ने ही इंट्रोड्यूस किया था। तो यस, इस वजह से इन दोनों को फादर कहते हैं इंग्लिश सोनेट का। और टोटल मिशेलनी करके, मिसेलनी, टोटल मिशेलनी करके इनकी एक एंथोलॉजी पब्लिश हुई थी। अब व्हाट इज एंथोलॉजी? एंथोलॉजी होती है कि किसी भी फॉर्म का, लिटरेरी फॉर्म का एक कलेक्शन, जैसे कि पोइट्री हो गया, स्टोरीज हो गई, या फिर ड्रामा हो गया। तो इस तरीके के जो लिटरेरी जॉनराज हैं उनका कलेक्शन जो होता है उसको एंथोलॉजी कहते हैं। तो यस, इट इज़ द फर्स्ट प्रिंटेड एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश पोइट्री, और इसको रिचर्ड टॉटल ने 1557 में पब्लिश्ड किया, ठीक है। अब टॉटल मिशेलनी की बात अगर कहा जाए तो इसको, इसकी जो पहला, सबसे फर्स्ट जब ये इसको पब्लिश किया गया तो इसको सॉन्ग्स एंड सोनेट्स कहा गया, और रिटन बाय हेनरी हावर्ड एंड थॉमस वॉट। और इसमें जो टोटल पोयम है, सॉन्ग और सोनेट्स, इन दोनों को जो मिला के जो संख्या है वो 271 है, जिसमें से 54 जो है वो सोनेट्स हैं, और 217
217, मतलब 217 सॉन्ग हैं और 54 जो है उसमें सोनेट हैं, 54 सोनेट हैं। अब इस 54 सोनेट में 15 सोनेट सरे ने लिखा है, अर्ल ऑफ सरे हेनरी हावर्ड ने लिखा है, 27 सोनेट वॉट ने लिखा है, 3 सोनेट ग्रिमाल्ड ने लिखा है और 9 सोनेट अननोन किसी ने लिखा है। कुछ लोग बोलते हैं कि चौसर के कुछ सोनेट्स इसमें पब्लिश हैं, बट कहीं उसका उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया है कि चौसर ने लिखा है। कुछ लोग इसको अननोन कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि चौसेरियन सोनेट्स हैं। अब इसमें कहीं कुछ विवाद है तो अननोन कहना बेटर होगा। तो ये हो गया। और उसके रेस्ट अगर देखा जाए तो 40 पोयम जो सॉन्ग है कहा जाए उसको सरे ने लिखा 217 में। तो ये पूरा अगर हम देखा जाए तो 271 में 40 जो पोएम है वो कंट्रीब्यूट किया गया सरे के थ्रू, 96 पोएम कंट्रीब्यूट किया वॉट ने, 40 कंट्रीब्यूट किया ग्रिमाल्ड ने और 95 किसी अननोन ने किया है। तो इसमें 271 सॉन्ग एंड सोनेट्स का कलेक्शन है टोटल मिसेनरी। और ये एक बहुत ही मिशेलनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक बुक मानी जाती है या कलेक्शन माना जाता है, जिसने फ्यूचर में उसको काफ़ी हद तक उसका यूज़ हुआ, उसके फॉर्म के, उसके मीटर का, उसका जो जॉनरा था वो यूज़ हुआ आगे। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट थी ड्यूरिंग रिवाइवल ऑफ लर्निंग। फिर हम देखते हैं जो सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट राइटर हुए, या फिर सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट की अगर राइटर की बात की जाए तो येस ही इज़ थॉमस मेलोरी। और मेलोरी की बात करें तो 1415 में इनका बर्थ हुआ एंड 1471 में इनकी डेथ हो गई। और ये कंपाइलर हैं ली मॉर्टे दी आर्थर। ली मॉर्टे दी आर्थर एक मिडिल फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है डेथ ऑफ ऑथर आर्थर। और इसकी ओरिजिनल टाइटल जिसको कहा जाए वो थी द होल बुक ऑफ किंग आर्थर एंड हिज नोबल नाइट्स और टू द राउंड टेबल। ये उनकी ओरिजिनल टाइटल है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1485 बाई विलियम कैक्सटन। कैक्सटन ने इसको सबसे पहले प्रिंट किया या पब्लिश किया आप कह लो। एंड इट इज़ द कलेक्शन ऑफ आर्थरेरियन रोमांस। आर्थरेरियन मतलब किंग आर्थर के का जो रोमांस है और उनसे रिलेटेड चीज़ों का इसमें एक अच्छा खासा कंपाइलेशन है, टोल्ड इन अ वेरी सिंपल एंड अ विविड प्रोज कहते हैं। एंड इट इज़ डिवाइडेड इंटू 8 मेन बुक। ठीक है, ये ओरिजिनली 9 भाग में इसको बनाया गया था लेकिन अभी फिलहाल इसको कहते हैं 8 किताबें हैं इसकी। एंड इट वाज द फर्स्ट इंग्लिश एलिटरेटिव रोमांस एंड इट इज अ प्रोज वर्क। तो ये प्रोज वर्क है और ये एलिटरेटिव रोमांस का अपने तरीके का पहला इंग्लिश लिटरेचर का वर्क है। अब कुछ माइनर राइटर हुए उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम एलेक्जेंडर बार्कले की बात करते हैं। इनका जो इम्पॉर्टेंट वर्क था वो है शिप ऑफ फूल्स, प्रोवाइड अ न्यू मेटाफर ऑफ इंग्लिश सटायर और ओरिजिनली इट इज़ अ ट्रांसलेशन ऑफ अ जर्मन वर्क। और बार्कले इज द फर्स्ट इंग्लिश राइटर टू यूज डिवाइस ऑलरेडी कॉमन इन इटली एंड शिप ऑफ फूल्स वॉज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ न्यू सटायरिकल लिटरेचर। तो सटायरिकल लिटरेचर की जो बिगनिंग हुई वो यहीं रिवाइवल ऑफ लर्निंग से शुरू हुई। हमने देखा पहले कई सारे सटायर लिखे गए हैं लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट सटायर था इस एरा का था शिप ऑफ द फूल्स और ये लिखा था एलेक्जेंडर बार्कले ने। फिर जॉन स्केलेटन की बात करें, ही इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड सटायरिस्ट और इनको एक इम्पॉर्टेंट सटायरिस्ट माना जाता है रिवाइवल ऑफ लर्निंग का। और 1463 से 1529 के बीच में इनका लाइफ स्पैन रहा है एंड ही इज़ अपॉइंटेड। जैसे हमने पहले देखा कि इरास्मस को अपॉइंट किया गया था, वैसे ही यहाँ पे हमने देखा कि जॉन स्केलेटन को अपॉइंट किया गया था हेनरी एट का ट्यूटर। और उनका जो इम्पॉर्टेंट वर्क है वो है गार्लैंड ऑफ लॉरेल, व्हाई कम ये नॉट टू कोर्ट, ये एक सटायर है। और मैग्निफिसेंस ये एक मॉरेलिटी प्ले है। मॉरेलिटी प्ले क्या है ये हम आगे देखेंगे। फिर द इनका एक और इम्पॉर्टेंट है नहीं सॉरी फिर अब नेक्स्ट जो है वो जॉन फिशर हैं और इनकी जो इम्पॉर्टेंट रचना है द वे ऑफ द परफेक्ट रिलीजन, द वेज ऑफ परफेक्ट रिलीजन बाय जॉन फिशर। और इसको फर्स्ट रेटोरिकल रिलीजियस बुक ऑफ इंग्लिश कहा जाता है। फिर कुछ इसमें यहाँ हमने बुलेट पॉइंट्स ऐड किए हैं
अब ये जो सबसे पहले देखते हैं, द डेटीज एंड द सेइंग्स ऑफ द फिलोसोफर कंसिडर्ड द फर्स्ट प्रिंटेड बुक इन इंग्लिश लैंग्वेज. पहली बुक जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में जो प्रिंट हुई, उसका जो टाइटल था वो था द डेटीज एंड सेइंग्स ऑफ द फिलोसोफर्स. फिर वॉट ने इंट्रोड्यूस किया था कपलेट एंडिंग इन पेट्रार्कन सोनेट, जो शेक्सपियरियन सोनेट के जो कपलेट्स हैं वो इंट्रोड्यूस किया था वॉट ने. फिर सर इंट्रोड्यूस द प्लाउटर्स मेजर्स. ये सर्टेन बुक ऑफ वर्जिल्स इज द ओनली बुक विच वॉज पब्लिश्ड सेपरेटली. और गैस्कॉइन ने इसको क्वाइन किया था प्लाउटर्स मेजर वर्ड को. फिर सपोज जो है वो एक गैस्कॉइंज की वर्क है और इसको फर्स्ट प्रोज कॉमेडी इन इंग्लिश कहा जाता है. और एक और राइटर हुए विलियम डिनबर, और ये चीफ स्कॉटिश चौसेरियन पोएट थे. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स था जिसको मैंने ऐड किया है. अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं ड्यूरिंग दिस रिवाइवल ऑफ लर्निंग. आई होप कि इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा. 1553 में हुआ, एंड ऑफ द वॉर हुआ 100 ईयर का. फिर 1492 में कोलंबस ने डिस्कवर किया अमेरिका को. 1477 में फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंग्लैंड. फिर 1485 में मॉर्टी दी आर्थर प्रिंटेड बाई कैक्सटन. 1499 में कोलेट इरास्मस मोर ब्रिंग अ न्यू लर्निंग टू द ऑक्सफोर्ड. इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं. 1509 इरास्मस प्रेज ऑफ फॉली. फिर 1516 मोर्स इथियोपिया. 1525 टिंडल्स न्यू टेस्टामेंट. 1530 इंट्रोडक्शन ऑफ सोनेट एंड ब्लैंक वर्स बाई वॉट एंड सरे. एंड 1557 टोटेल्स मिसेलनी. तो ये एक तरीके का पूरा हमने अभी कवर किया रिवाइवल ऑफ लर्निंग. जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा एलिजाबेथन एज पे. और इसके अलावा आई होप सो कि कहीं से कुछ इसमें से नहीं पूछेगा. ये ही पूरी जो बुक है विलियम जे लॉन्ग, उसकी समरी में कुछ इतना ही दिया हुआ है. तो अब इसके बाद एलिजाबेथन एज का टाइम है, मतलब देखेंगे हम उसको डिटेल में, उसकी पूरी स्टडी करेंगे, सारे राइटर्स को डिटेल में देखेंगे. टिल देन अगर आपने पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले पहले चैप्टर्स को नहीं देखा है या वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख के ही पढ़िएगा. अदरवाइज इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पिछले वीडियोस से ही लिंक्ड हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा. तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर पसंद आया. कहीं कोई गलती रह गई हो तो प्लीज़ उसको नोटिस करके बताएं मुझे कि अगर मैंने कहीं गलती की हो तो मुझे अच्छा लगेगा. कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसमें बताएं. और टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू ऑल.